क्या? अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये इशारा मैंने तुम्हें रोकने के लिए किया है तो तुम एकदम सही समझ रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये अचानक गुस्सा गायब होने की वजह क्या है? गुस्सा अपनी जगह पर है। गुस्से का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई बेवकूफी करो और मैं तुम्हें रोकूं भी नहीं। तुम भले ही मुझे पराया समझते हो लेकिन मैं पायल, मैं तुम्हें सॉरी कह चुका हूँ ना, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें नहीं समझ रही हूँ। तुम दूसरों को कितना समझते हो सूर्या? पायल, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ सूर्या, मैं उस बहन की बात कर रही हूँ जिसका सपना होगा कि वो अपने भाई के हाथों में डिग्री देखे, दूसरों के झूठे बर्तन नहीं। पायल प्लीज, अंजलि के बारे में बात नहीं करते। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ सूर्या। किसी से दुश्मनी निकालने के लिए बर्बादी की खाई में उतरना, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मैं किसी से दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ और ना ही बर्बादी की खाई में उतर रहा हूँ। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा लूँ, बस। इस तरह कब तक जिम्मेदारी उठाओगे तुम सूर्या? कल विशु बड़ा हो जाएगा, कॉलेज की फीस मांगेगा, तब तुम क्या करोगे? इस ढाबे की कमाई से क्या तुम वो सारा खर्चा उठा पाओगे? तुम दादाजी का ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते सूर्या? बस, मैं दो जगह नौकरी कर लूंगा, तीन जगह नौकरी कर लूंगा, पर उस आदमी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाऊंगा। और रही बात विशु और शीतल के कॉलेज की फीस की, मैं अपनी जिम्मेदारी उठाना जानता हूँ। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर विद यू।